श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, अभी हम लोग हैं सिरसा हरियाणा के भंडार कक्ष में, जहाँ पे भंडारा लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। वहाँ पे दोस्तों, जैसा आप लोग देख सकते हो कि लोग अभी खाना खा रहे हैं। मस्त तरीके से यहाँ पे चटाई बिछाई गई है, जिसमें लोगों को बैठा के यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, कि यहाँ पे रहने की और खाने की व्यवस्था पूरी व्यवस्था रखी गई है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्त हैं जो अभी भोजन प्रसादी वगैरह पा रहे हैं। और चलिए दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं कि खाने में क्या क्या है, क्या क्या प्रसादी में रखा गया है। ये है दोस्तों, रोटी है, पूड़ी है, हलवा है, और चम्मच है, कढ़ी है, रोटी है, ऐसे प्रसादी वगैरह रखे हुए हैं। और बहुत सारे भक्त हैं जो क्या बोलते हैं, खाना खा रहे हैं, भोजन प्रसादी वगैरह ले रहे हैं, और प्लेटें वगैरह दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे भक्त जो हैं भोजन प्रसादी करते हुए, आप भी कथा स्थल में आए और भोजन प्रसादी वगैरह ग्रहण करें और कथा सुने और कथा को जीवन में उतारें। शिवजी चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव। माताएं हैं, बहनें हैं, सब बैग वगैरह लेके आए हैं, रुकने के लिए, ठहरने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये हलवा है, और बहुत सारे भक्त हैं जो भोजन प्रसादी वगैरह पा रहे हैं, भोजन प्रसादी कर रहे हैं। यहाँ पे माताएं बहनें वगैरह भी बैठी हुई हैं, और यहाँ पे सेवादार लोग हैं जो सभी को बैठाल के यहाँ पे खिलाया जा रहा है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। भगवान ओंकारेश्वर बनकर प्रकट हुए हैं। फिर वर्णन आया, भीमाशंकर केदारेश्वर नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर केदारेश्वर बनकर प्रकट हुए। तो फिर दोस्तों, हमारे आज के ब्लॉग में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।